हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, आज मैं आपको इसमें डिज़ाइन डालकर दिखाऊंगी कि मैं कौन सा डिज़ाइन बना रही हूँ। पहले हम इसमें ये स्लीव्स बनाएंगे, तो पहले हमने ये अगला पार्ट बुनकर लाना है। सिर्फ एक हिस्सा बुनकर लाएंगे ये। देखिए, अभी ये वाले मार्क हम हटा देंगे क्योंकि ये दोनों फंदे हमने अपने इस अगले पार्ट में ले लेने हैं। देखिए स्लीव्स के फंदे हैं, अभी हम इसी एक मार्क लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये स्लीव्स के फंदे भी अभी इसी सिलाई में लेने हैं। एक सिलाई और हमने इस पिंक कलर की करनी है, उल्टी सिलाई से हमें दूसरा कलर लगाना है। देखिए ये दोनों फंदे जो हैं, ये हमारे ये जो बीच में दो आ रहे हैं इस मार्क के दो फंदे, ये हमारे बैक साइड में जाएंगे। तो अब हम इसको यहीं से इस तरह से पलट देंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरा कलर लगाना है, फिर से वही जो कलर हमने ऊपर लगाया है। एक सिलाई हमारे इस कलर की होगी। देखिए यहाँ तक हमारे ये आस्तीन के फंदे थे। अब इस मार्क को हम हटा देंगे क्योंकि इधर हमारे पिंक कलर अलग दिखाई दे रहा है। अब हम डिज़ाइन डालेंगे इसमें। इसमें 5 के मल्टीपल से ये डिज़ाइन डलेगा और इसमें 3 फंदे और आप एक्स्ट्रा रख लेंगे।
तो चलिए देखते हैं, पहले दो फंदे सीधे बुनेंगे हम, उसके बाद हम ऊन को सिलाई पर लेकर आएंगे, फिर ये दो फंदे जो हैं एक फंदे को इसको पलट कर डालेंगे और दो का एक बना देंगे, फिर ये दोनों एक साथ बुने जाएंगे, इनको भी नीचे की साइड से लेकर दो का एक बना देंगे, फिर उनको आगे लाएंगे। ये पांच फंदों का यहाँ डिज़ाइन हो गया, एक हमारा ये स्टिच था। अब देखिए ये एक फंद, ये ऊन को फिर से आगे लाएं, इस एक फंदे को बुनेंगे, फिर उनको आगे लाएंगे, फिर दो का एक बनाएंगे। फिर नीचे की साइड से लेंगे, दो का एक बना देंगे, फिर से उनको आगे लाएंगे, एक इस फंदे के एक इधर जाली डल जाएगी और एक इधर डल जाएगी, इसको पलट कर डालेंगे फंदे को और दो का एक बनाएंगे। ये नीचे की साइड से, फिर से उनको आगे लाएंगे, इस फंदे के दोनों साइड एक एक जाली डालेंगे, फिर से उनको आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा बुना, फिर से उनको आगे लिया, यहाँ दो का एक बनना है, फिर ये यहाँ पर भी दो का एक बनाएंगे, उनको आगे लिया, एक फंदा बुना, फिर से उनको आगे लिया, इस फंदे को पलट कर डालेंगे, दो का एक बना देंगे, ये नीचे की साइड से दो का एक बनाएंगे, फिर से उनको आगे लिया, एक फंदा बुनेंगे, उनको आगे लाएंगे, फिर से इस फंदे को पलट कर डालेंगे, फिर उनको आगे लाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर से उनको आगे लाएंगे, इस फंदे को हम पलट कर डालेंगे, इस दो का एक बना देंगे, उनको आगे लिया, इस फंदे को सिंगल बुन देंगे। तो गाइज अब ये जो है हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट कर लाऊँ मैं। ठीक है गाइज, ये एक हमारा ये डिज़ाइन आ गया, उल्टी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर दी। अब इस डिज़ाइन की ये और इस कलर की फोर्थ रो है, सीधी सिलाई है, ये भी हमारी पूरी सीधी कंप्लीट होगी, बट डिज़ाइन एक ही सिलाई पर बना है। फिर हमारी ये सादी ही सिलाइयाँ चल रही हैं, एक उल्टी बनी है, फिर अब एक सीधी बननी है। उल्टी सिलाई पर फिर से हमारा कलर चेंज होगा, देखिए गाइस। लास्ट में मैंने यहाँ पर पिछली सिलाई पर एक फंदा बढ़ाया था, क्योंकि एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो रहा था तो मैंने बढ़ा दिया था, आप भी एक फंदा बढ़ा लें अपना। अब हमारा ये कलर जो है पिंक वाला लगेगा, पूरी हमारी ये रो पिंक कलर से कंप्लीट होगी। तो देखिए मैं पिंक कलर की पूरी रो कंप्लीट कर लूँ, उल्टी सिलाई है। देखिए गाइस अब हमारे पिंक कलर पर डिज़ाइन बनेगा, सेम तरीके से बनेगा, जिस तरह से हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पर बना है उसी तरह से यहाँ भी बनेगा। पहले दो एक फंदा स्टिच बनाया, फिर एक सीधा फंदा और बनाया, फिर उनको आगे लिया, इस फंदे को पलट कर डालेंगे और नीचे की साइड से इसको बुन देंगे, और ये दो फंदे फिर से यहाँ से नीचे की साइड से बुनेंगे, फिर उनको आगे लेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, उसी पर ये डिज़ाइन बनेगा जिस पर हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाया था। बस इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। ये सिलाई और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए उनको आगे लिया, फिर से उनको आगे लिया, ये फंदा पलट कर डालेंगे, दो का एक बनाया, फिर नीचे की साइड से लेकर दो का एक बनाएंगे, फिर उनको अपने सामने लिया, एक फंदा सीधा बुना, फिर से उनको अपने सामने लिया और ये फंदा पलट कर डाला और दो फंदों का एक फंदा बनाया।
और ये वाला यहाँ से नीचे से लेकर दो का एक बनाया, फिर से उनको आगे लिया, एक फंदा बुना, फिर से उनको आगे लिया, इस फंदे को पलट कर डालेंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर इधर से दो का एक बनाएंगे, दोनों दो दो फंदे एक साथ बन रहे हैं, फिर से उनको आगे लिया, ये सीधा फंदा बुनेंगे, फिर से उनको आगे लिया, ये पलट कर डाला, और एक डिज़ाइन की जो है हमारी फोर रॉ बननी है, क्योंकि एक पर हम कलर चेंज करते हैं, एक पर ये डिज़ाइन बनता है, दूसरी उल्टी पूरी उल्टी कंप्लीट होती है, चौथी हमारी सीधी कंप्लीट होती है, सिर्फ डिज़ाइन हमारा ये एक ही सिलाई पर है। यहाँ दो का एक बनाएंगे, फिर से उनको आगे लिया, एक फंदा बुनेंगे, फिर से उनको आगे लिया, दो फंदे बुनेंगे, पलट कर डालेंगे इस वाले फंदे को, दो का एक बनाया, यहाँ पर भी दो का एक बनाएंगे, ये देखिए। तो गाइस इसके बाद आप एक उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर एक सीधी सिलाई सीधी कंप्लीट करेंगे, और फिर उल्टी पर कलर चेंज करके फिर से ये डिज़ाइन स्टार्ट कर देंगे।